देखो यहाँ पे ना मुझे 31 मार्च की नीड ही नहीं है. क्यों? क्योंकि सारी सारी येन की पेमेंट हो गई है. इसके लिए यहाँ पे मुझे 31 मार्च का रेट न दिया हुआ है और न मैं अपने ट्रांजैक्शंस में दिखाऊंगी. ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ सबका? अभी हिमांशु क्वेश्चन नंबर 31 में डाउट है आपको. क्या डाउट है इसमें? I have doubt on entry of 31st March 2004. हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? मुझे डाउट बताओगे आप? ये देखो मैम, FAF में जो ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, FAF में ट्रांसफर करेंगे जो अमाउंट, अभी 75,000 का $75,000 का बैलेंस बचा. बिल्कुल बराबर. यस, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कौन से अमाउंट से? सुनो, पहले तो आपको ये देखना है कि किस दिन पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ था. ये कंपनी इंडियन, जो इंडिया की जो कंपनी है, ये इंपोर्ट कर रही है गुड्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएस. अच्छा, कौन से डे पे इंपोर्ट कर रही है, कौन सा दिन है? 1st जनवरी. तो 1st जनवरी का रेट चेक करो, 49 रुपीज था. हमेशा याद रखो, फर्स्ट जिस दिन हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस दिन का रेट सबसे कंपेरिजन करना होता है. रिवैल्यूएशन के पहले तक, रिवैल्यूएशन के बाद मुझे 31 मार्च का रेट उठाना होता है. ठीक है, तो अब मुझे 1st जनवरी को मैंने इंपोर्ट किया, तो 1st जनवरी को रेट क्या था? 49. ठीक है, 49 के बाद 31 मार्च को रेट क्या हो गया? 45. इंपोर्ट करने के टाइम पे रेट कम हो गया, मतलब मुझे पेमेंट फ्यूचर में कम करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट है ना. अच्छा, ये प्रॉफिट है, तो कितना? 4 रुपीज का $1 पे. $1 इज इक्वल टू 4 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहे. कैसे? 49 रुपीज का जिस दिन मैंने गुड्स इंपोर्ट किए थे, खरीदे थे, उस दिन रेट था 49 और 31 मार्च पे रेट है 45. तो 4 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना. अब समझ में आया कैसे निकालना है ये 4 रुपीज? ओके मैम. हाँ, और कौन से डॉलर ये कौन से डॉलर पे करना है? जितने डॉलर्स बच गए. मैं बार बार ये चीज आपको क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. वो लोग है ना 250,000 डॉलर्स लेके आते हैं. जिस मैम ने बोला ना, जिस दिन हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया था, उस दिन का रेट उठाओ. सिर्फ रेट उठाना है, अमाउंट नहीं उठाना है. डॉलर्स नहीं देखने हैं. डॉलर्स कौन से देखने होते हैं रिवैल्यूएशन में? जितने की पेमेंट, ऑफ कोर्स पेमेंट, अभी यहाँ पे तो मैं पेमेंट कर रही हूँ, इम्पोर्ट वाला सम है ये, तो जितने की पेमेंट रह गई है उतने डॉलर्स को मुझे रिवैल्यू करना है. जितनी इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं उसको मुझे रिवैल्यू करना है. इन शॉर्ट, $75,000 का पेमेंट रहा हुआ है, इंटू 4 रुपीज से मैं रिवैल्यू करूंगी प्रॉफिट के हिसाब से. और प्रॉफिट क्यों हुआ उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया, क्योंकि रेट कम हुआ है. इम्पोर्ट के टाइम पे रेट कम होते तो प्रॉफिट ही हुआ ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल हैव टू पे टू द कंपनी. ठीक है, समझ में आया? और अगर 31 मार्च को रिवैल्यूएशन, यस मैम, मैम एक और डाउट था. हाँ जी, हाँ जी. वो शुभम ने पूछा था ना, जो 31 मार्च को अगर रिवैल्यूएशन का अमाउंट नहीं दिया है तो फिर उसके लिए? नहीं, वही चीज मैंने बताई ना अभी आपको. इसके पहले मैंने स्टार्ट में क्या बताया, समझो 31 मार्च डेट बीच में आती है, अभी आ रही है. क्यों? क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट को देखो, 15 मार्च और 20 अप्रैल को, ये दो तीन टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं. उसमें से एक 10th फरवरी को आपने पे किया, एक 15 मार्च को पे किया और एक 20 अप्रैल को. तो 15 मार्च के बाद तो 31 मार्च आता है ना, 31 मार्च आता है. तो 31 मार्च का रेट है ना डेफिनेटली दिया जाएगा, डेफिनेटली, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि रेट ना दिया जाए. अभी वो एक ही सम था जिसमें रेट नहीं दिया हुआ था, मेशर्स मून इंटरनेशनल लिमिटेड वाला. वो क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है. मैं बोलूंगी टेक्स्ट बुक में उन्होंने आधा अधूरा मतलब इंफॉर्मेशन दिया है, ऐसा मेरा मानना है. तो कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 31 मार्च का रेट ना हो. बट स्टिल मैं आपको ना मेशर्स मून इंटरनेशनल वाला जो सम है उसके लिए बता रही हूँ कि अगर 31 मार्च का रेट ना दिया है ना, तो आप जिस दिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया था ना, वो सेम पकड़ लो. क्योंकि नहीं दिया ना, स्टैंडर्ड अजम्पशन है, नहीं दिया है तो सेम होगा. समझो यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल यही सम देख लो. यहाँ पे 31 मार्च का रेट नहीं दिया, एग्जाम्पल
तो 1 जनवरी को मैंने इंपोर्ट किया था, 1 जनवरी का रेट क्या था 49, तो 31 मार्च का भी आप 49 ही पकड़ लेंगे, क्योंकि 49 है इसीलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ में? तो रीवैल्यूएशन नहीं करना है, सिर्फ पीएनएल में ट्रांसफर करना है। क्या? एफईएफ का अकाउंट, पूरा एफईएफ के अकाउंट में से पैसा निकाल कर आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। उसके अलावा रीवैल्यूएशन वाली एंट्री नहीं करनी है। आई बात समझ में? अब तो मून इंटरनेशनल्स वाला क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। यहाँ पे देख लो एक बार, फिर से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कहाँ गया ये मेशर्स? हाँ ये वाला। तो इस क्वेश्चन में 31 मार्च का रेट नहीं दिया हुआ है, तो किस दिन आपने ये एक्सपोर्ट किया था? मेशर्स मून इंटरनेशनल ने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, यूएस ने। तो कौन से डेट पे एक्सपोर्ट किया? 31 दिसंबर। और 95 डेज के बाद आपको पेमेंट मिल रहा है, मतलब अप्रैल में। तो जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया था 31 दिसंबर, उस दिन रेट क्या था? 45.50। तो 31 मार्च का भी 45.50 ही पकड़ लो, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। पर मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, इतना डेफिनेटली एश्योरेंस दे रही हूँ मैं आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि 31 मार्च का रेट ना हो, क्योंकि आपने जितने सम्स देखे होंगे ना, 31 मार्च का रेट दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। हाँ, जहां नहीं दिया हुआ है ना, तो शायद वहां पे नीड भी नहीं है। अभी देखो ये वाला सम देख लो, 23rd सम देखिए, जो हमने ये सम है ना सॉल्व भी किया है। देखो हमने इम्पोर्ट किया है चाइचंग ऑफ चाइना से, है ना, कभी इम्पोर्ट किया 2 जनवरी, 3 पेमेंट्स कर रहे हैं हम। 15 फरवरी को एक इंस्टॉलमेंट पे किया, 22 फरवरी को दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया, और 30 मार्च को तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो 31 मार्च बीच में आती ही नहीं है ना। और जितनी पेमेंट थी 80 लाख रुपीस दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 40 रुपीस, तो हमने डॉलर्स में कन्वर्ट किया था, आपको याद होगा 2 लाख डॉलर्स होते हैं ना। आप देखो 2 लाख थे ना, तो यहाँ पे देखिए 80, 70, मतलब 150 और 50 कितने डॉलर्स होते हैं, 2 लाख होते हैं ना। और तो बराबर है, 2 लाख का मैंने इम्पोर्ट किया था और 2 लाख की मैंने पेमेंट कर दी, कुछ बचा ही नहीं, तो रिवैल्यू करूँ क्या? अभी क्लियर है आप सबको? या तो 31 मार्च का रेट दिया जाएगा, ठीक है, या तो 31 मार्च से कुछ लेन देन ही नहीं होगा ना। अगर लेन देन है तो रेट दिया जाएगा, बात खत्म। तुम लोग इतना सिंपल रखो, देखो यहाँ पे भी 31 मार्च का रेट दिया हुआ है, कोई डाउट वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे भी देखिए जापानीज येन वाला सम हमने देखा अभी अभी स्टार्टिंग में, उसमें भी 31 मार्च की नीड ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नीड नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स देखकर ही पता चल जाता है, डेट्स को देखिए, 20 जनवरी, 27 फरवरी, 15 मार्च, बात खत्म। 31 मार्च की नीड ही नहीं है, तब नीड होती है जब इंस्टॉलमेंट्स रह गई है, पेमेंट करना रह गया। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 27 फरवरी को एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, 15 मार्च को दूसरा इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो डेट भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 15 मार्च को सब खत्म हो गया। 2 लाख डॉलर्स के मैंने गुड्स खरीदे थे, मशीन खरीदी थी, ठीक है। यस, और कोई डाउट मैम? हाँ जी बोलिए मैम। एफए में मैम ने, सोनी मैम ने बोला कि मैम फॉरेन एक्सचेंज में से आप क्वेश्चन बनाओगे मैम और फिर उनको दोगे, तो मैम सोनी मैम ने बोला कि नहीं, मुझे ना आवाज है ना ठीक से नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए, अब आ रही है मैम। सोनी मैम ने बोला कि मैम सोनी मैम ने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज का माला मैम पेपर बनाएंगे और फिर उनको देंगे मैम। हाँ जी बिल्कुल बराबर है। तो मैम सोनी मैम ने बोला कि मैम पूछ लेना उनसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कि थियोरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब किस में बोल रहे हो आप, 60 मार्क्स वाला जो पेपर होता है कि इंटरनल्स होते हैं? इंटरनल्स में तो एमसीक्यूज होते हैं ना? नहीं नहीं, इंटरनल्स में तो एमसीक्यूज है ना, ये तो मुझे सोनी मैम ने ही बताया। नहीं ये तो कंफ्यूजन कर रहे हो आप लोग मैम, बट किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? मतलब मैम ने बोला कि उनसे एग्जांपल ले लेना, क्वेश्चन कैसा रहेगा? अच्छा मतलब प्रैक्टिकल में एमसीक्यूज में कैसा रहेगा ऐसा? यस मैम, मैंने सॉल्व करवा लिया। मैम ने आज रिवीजन लिया ना, तो उन्होंने बताया। अभी देखो एग्जांपल,
ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा। हाँ हाँ मैं समझ गई। देखो थियोरिटिकल क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है कि एमसीक्यू के फॉर्म में ये भी तो पूछ सकते हैं कि अगर मैंने एक्सपोर्ट किया था 41 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 41 रुपीज थी और 31 मार्च को रेट है 49 रुपीज, एक्सपोर्ट किया था, ये मैं बता दूंगी पहले ही कि मैंने ना एक्सपोर्ट किया था ये सो एंड सो कंपनी में 1 जनवरी को रुपीज $1 इज इक्वल टू 41 रुपीज, तो अब 31 मार्च पे ना 49 रुपीज है, आप बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना प्रॉफिट है, इतने डॉलर्स बचे हुए प्रॉफिट। हाँ बस यही तो बताना है, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर मैं पूछूंगी कि $1,00,000 मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और उस दिन रेट था 49 रुपीज, तो वो रुपीज में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज में कन्वर्ट करके दिखा दूं, मतलब वो रुपीज में कितना हो जाएगा, आई बात समझ में। या फिर मैं रुपीज दे दूंगी दोनों कि मैंने रुपीज 80 लाख का इम्पोर्ट किया था और रुपीज $1 इज इक्वल टू रुपीज 40 था उस दिन, तो आपको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना है, ऐसा हमने किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने ये किया था, अभी अभी मैंने क्लियर भी किया आपको बातों बातों में, ये वाला सम देखिए, ये देखो रुपीज 80 लाख दिया हुआ है, इम्पोर्ट किया था मैंने, ठीक है, और $1 इज इक्वल टू रुपीज 40 था, तो कितने डॉलर्स मैंने इम्पोर्ट किए, सॉरी कितने डॉलर के गुड्स मैंने इम्पोर्ट किए, तो 2 लाख कैसे निकाला, 2 लाख 80 लाख रुपीज 80 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 40। हाँ सिंपल, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर थ्योरेटिकल कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या होते हैं, तो नीचे चार ऑप्शन आएंगे उसको राइट टिक करने का। अच्छा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को कंपल्सरीली ट्रांसफर करना होता है लास्ट डेट पे जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो किस में ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब ऐसे ऑप्शन आएंगे। देखो तुम लोग को अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे ना थ्योरी एमसीक्यूज वगैरह में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, उससे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए ना तो मैं मैम को बोल देती हूँ, उनके पास है ना बुक है। देखो गाइज मेरे पास तो बुक नहीं है, जैसे तैसे मैंने ये सब सारे सम्स मैंने कैसे तो भी अरेंज करके आपको पीडीएफ बनाकर अच्छे से दिया है, सो दैट आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे और हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब ना हो इसीलिए मैंने कैसे तो भी क्वेश्चंस अरेंज किए थे, लेकिन अब मेरे पास है ना बुक नहीं है। आई थिंक सोनी मैम के पास हो सकता है, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है ना वो आपको पिक निकाल कर भेज दें, जैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकें, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं कीजिए, आप सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू मुझे जितना बताया गया है ना वो ये बताया गया है कि एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज ही आएंगे मैम। हाँ तो एमसीक्यूज में तो देखो ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। चलो और किसी सम में डाउट है, नहीं तो हम शुरू करें। देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुझे टाइम भी लगेगा। अब है ना मुझे टोटल ये 42 वाला सम हमने कर लिया था, ऊपर वाला मैंने होमवर्क दिया था नंदलाल वाला और नीचे एडवांस वाला मैंने करवाया था, मुझे अच्छे से याद है, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अभी मुझे ना मेन टारगेट किसको करना है, ये 38th वाला और ये 39th वाला, देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। अब है ना ये वो कंपनीज हैं, समझो अभी ये कंपनी है एक्सिम लिमिटेड और है ना ये आपको बोल रही है कि मेरे इतने सारे ट्रांजेक्शन है, देखिए कभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, कभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है आपको। तो देखो दोनों सम्स एक जैसे ही हैं, अगर मैंने एक करवाया ना तो ऑटोमेटिकली दूसरा खुद ही आ जाएगा, सिर्फ पता है पॉइंट क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यही मिस्टेक हो। गाइस गिव मी जस्ट वन मिनट, आई नीड जस्ट वन मिनट, लेट मी पॉज फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हम 38th सम शुरू करते हैं, उसके पहले रिंकू सेज 18th सम क्लियर करो, 18th सम इसमें क्या डाउट है, इसमें डाउट क्या है वो मुझसे पूछिए। आपने सम किया ये सबने, सबने किया है ये 18th सम। मैम 31 मार्च को पेमेंट भी करना है और रिवैल्यू भी करना है, तो पहले रिवैल्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। एक मिनट रुकिए,
देखो अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 31 मार्च को वैल्यू बता रहा है, सॉरी 31 मार्च 2005 का रेट दिया हुआ है, $1 = 49 का ये स्टॉक है, और मैंने कब खरीदा था, 31 दिसंबर 2004 को ये मैंने $2000 में खरीदा था. ओके तो अभी है ना इस करेंसी में, सॉरी इसमें ना रेट्स कैसे दिए हुए, ये देखो 31 दिसंबर 2004 का दिया हुआ 45 और 31 मार्च का दिया 49, मतलब बढ़ गया. पहली बात तो जब मैं खरीद रही हूँ तो बढ़ गया, मतलब मेरे लिए लॉस है, ठीक है, 4 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है. अब है ना इसने क्या बोला है, मार्केट वैल्यू ऑफ 31 मार्च इज मोर देन इट्स कॉस्ट जब मैंने खरीदा था, ठीक है. व्हेन पॉपुलर इंपैक्ट्स पेड हाफ द अमाउंट ड्यू ऑन परचेसेस, अभी मैंने परचेस कितना किया था $2000, तो इसी दिन पे 31 मार्च को मैं हाफ द अमाउंट पे कर रही हूँ. तो पहले आपको पेमेंट करनी है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आपने पेमेंट कर लिया तो आपको रीवैल्यू क्यों करना है उसको, लॉजिक क्लियर रखो ना आप. देखो जो लॉजिक्स होते हैं ना वो क्लियर रखोगे तो डाउट नहीं आएगा, ठीक है. अब आपने पेमेंट कर लिया तो पेमेंट करने पर आप क्यों रीवैल्यू करोगे, मतलब ये तो डाउट ही नहीं आना चाहिए ना कि पहले रीवैल्यू करूं कि पहले पेमेंट करूं. कॉमन सेंस है, पेमेंट इसी दिन पे कर लिया ना, तो इस दिन पे करने के बाद रीवैल्यू करने का, क्योंकि रीवैल्यूएशन का मतलब ही वो होता है कि जो आपने पेमेंट नहीं किया है, जो बच गया है उसको रीवैल्यू करना है. रीवैल्यू का मतलब ही होता है जो बचा हुआ है उसको रीवैल्यू. $1 का तो पेमेंट, सॉरी $1000 का तो पेमेंट कर लिया ना आपने, किस हिसाब से कर लिया, 49 रुपीज के हिसाब से. तो आप एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, किसको पेमेंट किया लिखा हुआ नहीं है ना, ऑफ पॉपुलर इम्पैक्ट्स, ओके नाम लिखा हुआ है, स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ पॉपुलर इम्पैक्ट्स, तो पॉपुलर इम्पैक्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है ना, तो और लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है वो देखिए, 45 रुपीज का था जब मैंने खरीदा और आज 49 रुपीज का रेट है, तो 4 रुपए ज्यादा पेमेंट कर रही हूँ ना मैं, तो FEF अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना. यश ने भी करेक्ट आंसर लिखा है, पार्ट पेमेंट करेंगे और उसके बाद रिवैल्यूएशन करेंगे, वेरी गुड. मतलब लॉजिक क्लियर है ना आप लोगों का, जो आंसर कर पा रहे हैं उसका लॉजिक क्लियर है, बहुत ईजी है. रिवैल्यूएशन मतलब जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, $1000, क्यों, क्योंकि $1000 मैंने पे कर लिया, आई बात समझ में. तो $1000 पेमेंट करने की एंट्री होगी पॉपुलर इम्पैक्ट अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपको पता है $1000 इनटू 49 बैंक में जाएगा, ठीक है, बैंक में कितना जाएगा 49 टू बैंक वाला, टू बैंक, ठीक है. और पॉपुलर इम्पैक्ट में कितना दिखाएंगे, $1000 इनटू 45, तो FEF में कितना दिखाएंगे, $1000 इनटू रुपीज 4, सिंपल हो गया, टैली डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा. FEF को उठाकर आप क्लोज, नहीं सॉरी, क्लोज करने से पहले रीवैल्यू करेंगे, तो रीवैल्यू कैसे करेंगे, $1000 बच गए. अच्छा किस दिन पे खड़े हैं, 31 मार्च पे खड़े हैं, कब खरीदा था, 31 दिसंबर, कितने में, 45 में, आज का रेट क्या है, 49, 4 रुपए का नुकसान, बढ़ गया रेट, बढ़ गया मतलब नुकसान, नुकसान मतलब FEF अकाउंट डेबिट टू पॉपुलर इम्पैक्ट, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन एंट्री, FEF अकाउंट डेबिट टू जो भी कंपनी का नाम है पॉपुलर इम्पैक्ट. तो ये हो जाएगा आपका $1000 इंटू 4 रुपीज, दैट इज 4000 रुपीज. अब आप FEF को क्लोज करके PNL में ट्रांसफर कर देंगे. अब आप बोलेंगे मैम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करना है, उसके लिए उसने बोला ही नहीं है ना, कुछ पूछा है ना, रेट बताया है, आप करेंगे कैसे, छोड़ दो, सम खत्म, मेरे लिए सम खत्म 31 मार्च को, उसके बाद की ना डेट बताइए कब पेमेंट करनी है ना रेट बताइए. जब पेमेंट का रेट ही नहीं बताया तो आप पे कैसे करेंगे, तब के टाइम पे मुझे सम को छोड़ देने का, क्लोज मतलब 31 मार्च का FEF टू PNL या PNL टू FEF जो भी आपका होगा वो करके आपको छोड़ देने का, दैट वुड बी योर लास्ट एंट्री. अब समझ में आया सबको, क्लियर है, यस क्लियर है, यस रिंकू डाउट क्लियर हुआ, ओके ओके. सो क्विकली लेट्स बिगिन विथ 38th क्वेश्चन.
सो अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम लोग बेशक धीरे धीरे करें बट उसको पूरा अच्छे से समझ के करें, जैसे 39th वाला सम आप होमवर्क में ले सकें, क्योंकि सिमिलर है, सिर्फ आपको डेट्स फॉलो करनी है। पता है क्या हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी है ना, बच्चों को एंट्रीज तो याद पड़ जाती हैं। देखो अभी तक जितने भी सम्स किए थे ना, वो एंट्रीज को पक्का करने के लिए किया था कि ये वाली एंट्री ऐसे होगी, इस दिन पे ये रेट उठाना है, रीवैल्यूएशन में ये डिफरेंस उठाना है, इसमें से माइनस करना है, इसमें से प्लस करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब एंट्रीज के साथ आपको देखो समझ में आ तो गए है। ये वाले सम्स में दिक्कत क्या होती है, एंट्रीज तो बच्चों को आ जाती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट्स, डेट्स में प्रॉब्लम होती है, और डेफिनेटली होती है और होगी भी क्योंकि इतनी सारी डेट्स हैं। उसके लिए लगता है प्रैक्टिस। आप यही दो सम्स बार बार प्रैक्टिस करो ना, 38, 39 को बार बार प्रैक्टिस करो, इसके बाहर कुछ नहीं आता क्योंकि इसमें सब कुछ हो गया, सब उसने कह दिया इसमें, ठीक है, इम्पोर्ट भी है, एक्सपोर्ट भी है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी है, सब कुछ है। चलो देखते, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्सिम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2007। ईयर एंड कभी हो रहा है, 31st मार्च 2007। साल भर में इनके कितने ट्रांजेक्शन है देखिए, और वाकई में होंगे भी ना, एक कंपनी का एक ट्रांजेक्शन थोड़ी होता है कभी भी, सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट थोड़ी होता है, बहुत सारे एक्सपोर्ट हो सकते हैं साल भर में, साल भर में पता नहीं कितने इम्पोर्ट भी हो सकते हैं, है ही कंपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली ना, देखो नाम भी उसका एक्सिम ही है, एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ये फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपके लिए होमवर्क है। कुछ डाउट होगा तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम मिलेंगे तब क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑन 1st जुलाई 2006 गुड्स वर्थ US dollars 1,05,000 वर एक्सपोर्टेड, देखो एक्सपोर्ट, टू मेशर्स पैस्को लिमिटेड, द अमाउंट रियलाइज एज फॉलोज। दो इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पैसा मिला, एक 5 नवंबर को, एक 11 मई को, ठीक है, एक 11 मई को और एक 5 नवंबर, मतलब 5th नवंबर और 11th मई। तो अगर आपका ध्यान है तो 11th और मई के बीच में 31st मार्च आते हैं, ठीक है, मतलब। और सिर्फ ये ट्रांजेक्शन नहीं है जिसको मुझे सीक्वेंस में करना है, नीचे सारे ट्रांजेक्शन है जिनका सीक्वेंस मुझे चेक करना है। चलो सेकेंड पॉइंट है, गुड्स वर्थ US dollar 5,000 वर एक्सपोर्टेड ऑन 15th जुलाई 2006। अच्छा 15th जुलाई 2006, जुलाई, ये देखिए 1st जुलाई यहाँ पे है, फिर उसके बाद नवंबर, ये मई और यहाँ पे जुलाई, आपको दिख रहा है कैसे डेट्स दी हुई है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर हमने कैसे करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, 1st जुलाई के बाद में 5th नवंबर का ट्रांजेक्शन नहीं करूंगी, कौन सा करूंगी, 15th जुलाई, बेशक वो एंट्री नंबर 2 है पर मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज चलना है, एंट्री वाइज नहीं चलना है, आ रही है बात समझ में। तो गुड्स वर्थ US dollar 5,000 वर एक्सपोर्टेड ऑन 15 जुलाई टू जो कंपनी लिमिटेड यूएस में है, एंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, मतलब 15 जुलाई का 30 डेज क्या होता है, 15th अगस्त, नहीं नहीं 30 डेज के बाद बोल रहा है ना, तो जुलाई के बाद अगस्त आते हैं, सितंबर आते हैं, ठीक है, एक महीने बाद, मतलब 15 अगस्त या 14th अगस्त पकड़ लेंगे, 15 अगस्त तो आपकी वो छुट्टी वाला दिन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ऑन 15 सितंबर 2006 रॉ मटेरियल वर्थ US dollar 20,000 वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रॉबर्ट लिमिटेड पेबल, कैसे पेबल है, देखो पे कैसे करना है, 50% इमीडिएट। ये देखो मैंने आपको बोला ना सारे ट्रांजेक्शन है इसमें, लगभग कोई भी डाउट रह ही नहीं जाएगा, 50% आपने इमीडिएट पेमेंट कर लिया, मतलब कैश, कैश पेमेंट कर लिया ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट कैश सेल्स, कैश परचेज जिनको बोलते हैं ना, जिसमें क्रेडिट परचेज नहीं होते, लेकिन वो 50% ही पे किया आपने इमीडिएटली, बाकी का बैलेंस 15 अप्रैल को पे करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल वर इम्पोर्टेड ऑन 31st अक्टूबर 2006 वर्थ US dollar 10,000 फ्रॉम ब्लू क्रॉस लिमिटेड यूके,
द पेमेंट वॉज मेड आफ्टर 45 डेज, मतलब 1.5 मंथ. 45 डेज का मतलब होता है 1.5 मंथ. तो 31 अक्टूबर का 1.5 मंथ क्या होता है? 15 दिसंबर या 14 दिसंबर, जो भी, मतलब आप उसको 45 डेज ऐड करके देखो कितना बैठता है. ठीक है, मतलब नवंबर पूरा और दिसंबर आधा. दैट वे 15 दिसंबर 2006 गुड्स वर्थ $75,000 वर एक्सपोर्टेड टू थॉमस लिमिटेड. अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 15 दिसंबर को. ठीक है, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड एज फॉलोस, एक 15 फरवरी को और एक 15 मार्च.